ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रन सिमुलेटर। तो गाइज, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये नया पिकअप ट्रक खरीदा था और साथ ही साथ में हमारे न्यू बर्न हाउस के लिए हम लोग काफ़ी सारे काउस भी लेकर आ चुके थे, जो कि हमारे बर्न हाउस के अंदर घूम रही हैं। बर्न हाउस के बाहर ही घूम रही है एक्चुअली में सारी के सारी। एंड गाइज यार, आज के इस एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं और फाइनली हम लोग हमारे पिग्स का बर्न हाउस बड़ा करने वाले हैं, ठीक है। लाइक इस वाले एरिया को हम लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देंगे पूरा का पूरा, फेंसिंग वगैरह ऐड करके। एंड गाइज साथ ही साथ मैं आज जो एक नया ट्रक भी खरीदने वाला हूँ, मे बी लेट्स सी। एंड या आज हम लोग को काफ़ी सारा पैसा भी कमाना है, क्योंकि भाई अपने को यहाँ पर हमारी चीज़ फैक्ट्री भी बनानी है। वैसे मैंने थोड़ा ब्लूप्रिंट जो है दिमाग में सोच लिया है कि किस तरह से अपने को काम करना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग हमारे पिग्स बार्न हाउस को जो है, आई मीन पिग्स का जो बार्न है या जो भी एरिया है उसको अपन बाद में अपग्रेड करते हैं। उससे पहले हम लोग हमारे चीज़ फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो वो तो अपन कर लेते हैं, रुको ज़रा मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ किस तरह से अपन बनाने वाले हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर एक दरवाज़ा लगेगा, तो अपन यहाँ चलते हैं और इस जो फेंस गेट है इसको मैं ना, कुछ तो ग्लिच हो रहा है इसके अंदर ना, चलो इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं। और ये हमारा इतना एरिया जो है ना, ये हमारी एंट्री के लिए होगा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अच्छे से वेल बैलेंस तरीके से एकदम इसका जो फाउंडेशन वगैरह अच्छे से लगाऊंगा मैं। कितनी ऊंचाई ठीक रहेगी? आई थिंक इतनी ऊंचाई ठीक रहेगी, इतना इतना बहुत है ना वैसे, या फिर इतना ठीक है? इसमें तो काउज बाहर आ जाएंगे, तो एक काम करते हैं इतना रख लेते हैं, ठीक है। इतना करना है कि काउज वगैरह भी ना बाहर ना आए उसके, आई मीन बाहर जो है ना ऊपर चढ़े ना उसके। तो यहाँ पे मैं अच्छे से एक बार रुक जाऊँ, पहला फैंसी जो लगा लेता हूँ एक बार। आई थिंक गाइज अभी जो मैंने बनाया ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बन चुका है, तो एक काम करते हैं अपन इसको पहले जो है यहाँ पे पूरा लगा देता हूँ मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा नहीं, क्योंकि भाई फिर ना ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है इसलिए। तो अपन जितना लाइक छोटा बन सकता है उतना छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, जो अच्छा भी हो, जिसके अंदर अपन आराम से जो ना सारा काम भी कर सके यहाँ पर, ठीक है। ज़रा देखता हूँ कि पाँच मेरे को बनाना है, एक रुक जाओ मेरे को स्टार्टिंग से गिनने दो, यहाँ पे एक दो तीन चार और पाँच, आई थिंक इतना बहुत है, उसके बाद में सारा मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ यहाँ का, ठीक है। एक दो तीन चार और पाँच, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ इस वाली ग्रैनरी का जो है इतना एरिया कवर कर रहा है कि नहीं। आई थिंक ठीक है, ये वाला परफेक्टली फाइन है। और एक और मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा, ज़रा रुको, मेरे को ना इसको भी पूरा जो है अच्छे से पूरा सेट करना है भाई। तीन का गैप दूंगा, आई मीन इतना ठीक है, इतना एरिया बहुत रहेगा वैसे इस वाली फैक्ट्री के लिए भी ना। हाँ आई थिंक सो, चलो ठीक है। यहाँ पर मैं ज़रा क्या पूरा फाउंडेशन वगैरह लगा देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया काम इसका। और वेट, ये एंट्री का हो गया, एक दो तीन चार, ओके पाँच हो गया है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से मेरे को इसकी जो है बाउंड्री कर देनी है इसके बाद में, ठीक है। चलो इसको मैं ज़रा थोड़ा अच्छे से लगा दूँ, ये थोड़ा ना दिक्कत देगा भाई मेरे को लग रहा है, रुको ज़रा। स्ट्रेट लगा है कि नहीं? नहीं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है भाई ये तो, रुको ज़रा इसको पूरा अच्छे से सेट करना पड़ेगा यार अपने को ना, ये थोड़ा थोड़ी दिक्कत ही है ना भाई, अच्छे से लगता नहीं है यार ये। लग जा लग जा लग जा लग जा, ठीक है। ओ या, ये अभी परफेक्टली फाइन है एकदम। चलो इसको मैं एकदम जो ना सीधा ले जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमारी सारी काउज ना इसी के अंदर आने वाली है भाई। इसको यहाँ खींचता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक इतना बहुत है, यप इतना बहुत है। चलो इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। आई जस्ट होप्स हो गया ना काउज वगैरह इसके ऊपर ना चढ़े, मेरे को लग रहा है चढ़ जाएगी यार बड़े आराम से। लेट्स सी इसका क्या कर सकते हैं अपन फिर भाई। चलो इसको मैं ज़रा यहाँ से ना घुमा फिरा के इसको भी ना एकदम स्ट्रेटली लगा देता हूँ यहाँ ज़रा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, रुको ज़रा इसको मैं अच्छे से लगा दूँ भाई। और पीछे की साइड मैं सोच रहा हूँ कि ये काफ़ी स्पेस बचा रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग अब मुर्गियों का वो लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर ये हमारा काइंड ऑफ घूमने पीछे जाने का एरिया भी बन सकता है। लेट्स सी क्या बनाएंगे इसको अपन, लाइक रोटेट करने का इस जगह से। तो या पहले मेरे को ना यहाँ पे एक दरवाज़ा ऐड करना है, रुको, ये होएगा हमारा फेंस का गेट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा ताकि जितने भी काउज वगैरह होगी ना उसको अपन अंदर ले कर जा सके। ये होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये स्ट्रेट लग चुका है एकदम। और इसके बाद में मेरे को इनको भी लगाना है, लेकिन ये सारे गेट्स होंगे अपने, ठीक है, क्योंकि बाय चांस सोचो अगर कभी हमारी कोई काव वगैरह ठेल गई यहाँ पे, ठीक है, बाय चांस, तो अपने को उनको रखना भी तो पड़ेगा ना अच्छे से। ओके आई थिंक मैंने सारे सारे यहाँ पे गेट्स भी लगा दिए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, मेरे को लग रहा है ये वाला थोड़ा ना मेरे को सही से लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा ना मेरे को लग रहा है कि काउज वगैरह जो है ना इसके ऊपर से बाहर निकल जाएंगे आराम से, तो इसको दोबारा बनाएंगे। रुक जाओ ज़रा, करूँगा इसका भी वापस से, लेकिन उससे पहले मेरे को ज़रा इसको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं गेट लगाना चाहता हूँ, आराम से इधर आ जाएगा गेट। यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत काम हो चुका है, ये थोड़ा सा मैंने आगे से इसको लगा दिया है, और आफ्टर दैट मेरे को थोड़ा सा बस इसको आगे से कनेक्ट कर देना है। कहाँ चला गया ये, लो यहाँ लगा देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रास्ता बनेगा, ठीक है, ताकि अपन गाड़ी को भी यहाँ पर ले कर जा सके ऊपर।
ओरिया। उसके बाद में यहाँ पे अपन दूध निकालेंगे, दूध निकाल के इसमें गाड़ी में लोड करेंगे, और इसके ऊपर एक और फ्लोर बनाऊंगा या तो मैं, जिसके अंदर अपन सारा चीज़ वगैरह का काम करेंगे। ठीक है, चलो ये हमारी दूध की फैक्ट्री होने वाली है भाई, जिसमें अपन काफ़ी सारा पैसा भी कमाने वाले हैं। और ये हमारे गेट है जो कि अपन काउज वगैरह को यहाँ पे ले जाने के लिए। ओके, मैंने यहाँ पे गेट लगा दिया है, और ये वाला भी यहाँ पे मैं गेट लगा देता हूँ। इसमें क्या सीन हो रहा है ये? ठीक है, ये लग गया यहाँ पे। ठीक है, और ये कुछ इस तरह का हमारा कुछ बिल्ड होने वाला है। यहाँ से अपन गाड़ी निकालेंगे, और यहाँ से घुमाकर इस वाले रास्ते से अपन हमारी गाड़ी को ले जाएंगे। ठीक है, ये दो स्पेस छोड़नी पड़ेगी मेरे को इसके लिए, ताकि हमारा एक यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बन जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा ये तो तैयार है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी रात भी होने वाली है। अपन फटाफट से ज़रा थोड़ा ना काम कर लेते हैं हमारी पिग्स की जो बार्न हाउस है उसको बड़ा करने के लिए। यहाँ चलते हैं, और अरे साला ग्लिच का समझ नहीं आता, इसमें क्या सीन है भाई? तो अपने को यहाँ से एक मिनट में को यार खाना भी चेक करना पड़ेगा, इनका मैंने खाना नहीं देखा इतने दिन से। रुको रुको बॉयज़, ज़रा खाना चेक कर लो, इनकी तादाद देख रहे हो भाई, बढ़ती जा रही है एकदम इतनी खतरनाक तरीके से भाई। ओके, इसको मैं रिफ़िल कर देता हूँ यहाँ पे, और शाम हो चुकी है भाई लोग। भाई साहब पहले से काफ़ी बढ़िया कलर कर दिया भाई इस गेम के, सही में। ठीक है, हमारा जो यहाँ पर है ना, इसको निकालते हैं, और पहले अपने को ना, पहले हमारा जो एक हमारा जो फार्म का ये है ना ग्रेनरी वगैरह, अपने को इनको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पिग्स जो है ना इसके अंदर घुस जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई हमारे लिए। मॉर्निंग एवरीबॉडी, वी आर बैक हियर, एंड अभी मैं हमारी इस गाड़ी को लेके जा रहा हूँ यहाँ से, और ट्रेडर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। और मुझे लग रहा है ना कि मेरे को ना इनको पूरा रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, मैंने रिमूव इसलिए नहीं किया था क्योंकि ना अच्छा लग रहा था यार देखने में, लाइक हाँ लगना चाहिए कि भाई पेड़ वगैरह भी कटे हुए हैं यहाँ पे, अगर पूरा एकदम क्लीन लगेगा ना फिर बेकार से लगता है थोड़ा सा, अजीब सा। तो थोड़ा बहुत मैं अंदर का रहने दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छा लगेगा उसको देखने में भी इसलिए। सो या पहले अपने को जो है यहाँ से, मैं अपना एक सेकेंड रुक जाओ, पिकअप ट्रक निकाल नहीं पाऊँगा अगर फंस गए तो भाई, रुक जाओ ज़रा, इसको पूरा करेंगे अपन अभी, और ज़रा मैं अपना ट्रक घुमा लूँ पहले। ये देखो ये देखो ये देखियो साला पेड़ के ऊपर चढ़ रहा ट्रक भाई, गजबी ट्रक है ये भी साला, पिकअप ट्रक भी मज़े ले रहा है मेरे साथ भाई, गजबी है ये देखो अभी तो ठीक है। ओके, यहाँ से जाते हैं इधर, और या अभी अपन यहाँ से एक एक करके प्लैंक निकालते हैं। ठीक है, खाने पीने का भी इनका जुगाड़ करना पड़ेगा इस तरह से, नहीं तो ना ये मर जाएंगे भाई यहाँ पे भी। तो या पहले तो अपने को फेंसिंग का काम निपटाना पड़ेगा, ताकि पिग्स को अपन खुला छोड़ सके आराम से यहाँ पे। एक दो और काफ़ी सारा प्लैंक लगेगा, लेकिन इसके अंदर भी ना बहुत सारा प्लैंक लगेगा यार सही में। चलो ये इसको मैं पूरा कर दूँ यहाँ पे, और ये करना भी ज़रूरी है यार, इसके अंदर चले गए तो फिर सीन है अपना, उसका अलग झोल है, उनको निकालो ये करो वो करो, तोड़ के निकालना पड़ेगा फिर मेरे को पूरा पूरा। और ये हो गया यहाँ का, साला कितना बचा है भाई, कितना प्लैंक लगाऊं भाई यहाँ पे मैं। तो मैंने इस साइड का थोड़ा बहुत कर दिया है, अभी ना मेरे को बार बार उधर भागना पड़ रहा था, मैंने सोचा कि अपने ट्रक को ही लेके चल लेता हूँ वहाँ पे ट्रेलर को पूरा, ताकि बार बार भागना ना पड़े इधर उधर, और एक जगह खड़े होकर अपन सारा काम कर ले। ठीक है, चलो यहाँ से निकालते प्लैंक, और इनको भी कर देते हैं पूरा। तो हमारी यहाँ पे फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है, मेरे को अब इनके ना खाने का भी जुगाड़ करना है। जरा ये थोड़ा ना वुडन लॉग्स वगैरह पड़े हुए, इनको मैं बाहर निकाल के रख दूँ, क्योंकि ना मैंने ट्रीज़ वगैरह कट किए थे तो यहाँ पे पड़े हुए हैं वो, तब से मैं इनको जो है कन्वर्ट करना भूल गया प्लैंक्स में। ओहो, चलो इसको यहाँ रख देते हैं, और ये देख रहे हो मतलब कितना सही बन जाएगा उस वाले, बस वो वाली लाइन तोड़नी है मेरे को, और आफ्टर दैट ये पूरा एरिया इनका हो जाएगा, यहाँ पे घूम फिर के कहीं पे भी जा सकते हैं। दो दरवाजे मैंने लगा रखे हैं, और ये देखो ट्रीज वगैरह भी है ना, उससे अच्छा भी लगेगा, थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ भाई पूरा एकदम रियलिस्टिक लगेगा थोड़ा, देख रहे हो? ये देखो भाई कितना सही लगेगा यार यहाँ पे ये। चलो अब एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे मेरे को खाने का भी इनका ऐड करना पड़ेगा, राइट? तो खाने के लिए मेरे को ज़रा देखने दो, ये अपने को फूड ट्रो ज़्यादा लगाना है, पानी का इतना ज़्यादा सीन नहीं है। ठीक है, फूड ट्रो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सेंटर में ही लगाऊंगा जो लगाऊंगा मैं, क्योंकि भाई फिर वो प्रॉब्लम है, इसके अंदर चढ़ चढ़ के चले जाएंगे ये लोग, इसलिए एक यहाँ लगा देता हूँ, एक इसके बराबरी में लगाना है, लेकिन यार ये भी प्रॉब्लम है भाई इनको बराबरी में लगाने का भी। चलो रुको, एक यहाँ लगा देता हूँ, फिर इसके इधर ही साथ साथ चलते चलते एक यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब जो भी होंगे वेट नहीं, थोड़ा सीन है, रुको 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 भाई, माय बैड, रुको गाइस, इसको यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, ये सेंटर सही रहेगा इसका, उसके बाद में मेरे को सीधा सीधा चल के जाना, चल के जाना, चल के जाना, चल के जाना है थोड़ा सा आगे, और एक यहाँ लगा देना है। ठीक है, चलो खाने का इनका चलो सेंटर में नहीं हुआ भैंस यहाँ किसकी, कोई बात नहीं दोबारा लगा देंगे, और ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मेरे को इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, जाना 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 है, और कुछ इस तरह से यहाँ पर एक लगा देना है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ चल के एक यहाँ लगा देना है, खाने का ज़्यादा जुगाड़ करना है भाई इनका। ठीक है, मैं कोई वो सीन नहीं चाहता बाद में, इसलिए चलो एक यहाँ लग गया है, और एक तो चलो वहाँ पे लगा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है वो तो।
और बाकी एक यहाँ लगा देते हैं, और यस आई थिंक इतना इनफ है वो, क्योंकि मैं हटाऊंगा नहीं वाला, डिलीट नहीं करूंगा वहाँ से, तो इनको मैं वाटर बॉल ऐड कर देता हूँ अभी। पानी का जुगाड़ भी तो करना है ना इनका, पानी का जुगाड़ के लिए इसके बगल में लगा देता हूँ, ठीक है वही सही रहेगा, इनके बगल में लगाना बेटर है। या इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसे इतना सारे लगाने की ज़रूरत है नहीं पानी का यार, क्योंकि पानी का तो ठीक है कोई सीन नहीं है, पानी का झोल नहीं इतना, ले भाई पर पी लेंगे पानी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ जाओ पी लो पानी भी। यहाँ पे भी एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ पे भी लगा देते हैं पानी का, ठीक है चलो। अभी इनको अपने को पूरा भरने 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 का काम बचा इसको बस, उसके बाद में जो है इनको अपन खुला छोड़ देंगे एकदम, ठीक है, ताकि आराम से अपनी ऐश काटे भाई यहाँ पे, और पैसा भी तो देंगे ना अपने को उसके बदले पैसा कब आ रहेगा भाई। चलो यहाँ पे मैंने खाने का भी बना दिया, ये भी मैं पूरा कर दूँ। अभी देखना पिग्स हमारे कैसे बाहर निकलेंगे वहाँ से, पूरी भसड़ में एकदम भाई, भसड़ निकलेगी इनकी पूरी। तरह प्लैंक निकाल लिया है ताकि ना मेरे को बार बार वहाँ पे ना भागना पड़े उस तरह से भाई, निकालना पड़ता है ये करो वो करो भाई, कितना अभी लेकिन सही में भाई कितना सारा प्लैंक भरना पड़ता है बार बार। चलो रुको ज़रा यार, इसका थोड़ा ना कम करना चाहिए था भाई, क्योंकि ज़्यादा प्लैंक लाने से ना फिर गेम भी थोड़ा परफॉर्मेंस में इश्यू होता है, तो इनको थोड़ा प्लैंक्स का वो कम कर देना चाहिए था। लेट्स सी कितना चाहिए रहेगा मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 मेरे को प्लैंक के वो लेकर आने पड़ेंगे, रुको ज़रा भाई 8 सेट चाहिए, 3 4 5 6 7 और 8, हो गया ना 8। तो मैंने सारा सारा प्लैंक यहाँ पे लाके रख दिया है, और मेरे को इनको बस भरने का है अभी, ये लो यहाँ पे, और यहाँ से निकाल लेते हैं ज़रा, पिक कर लेगा ना यहाँ से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरे को लगा पिक नहीं कर पाएगा पर कर लिया। इसको यहाँ भर देंगे, फिर ये इधर आ जाएगा, इसको यहाँ भर देंगे, यार वो लास्ट वाला नहीं आएगा लेकिन प्रॉब्लम है, यस ये दोनों नहीं आएंगे अभी। रुको ज़रा यहाँ से कोई रास्ता है क्या, अबे यार यहाँ से तो मैंने रास्ता ही नहीं बनाया इसका, रुको बोल ज़रा यहाँ से मैं इसके अंदर कैसे जाऊँगा, मेरे को घुमा फिरा के लेकर आना पड़ेगा इनको, रुको क्या मैं इनको और दूर रख सकता हूँ, वेट अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आई थिंक मे बी अभी आ जाना चाहिए है, वेट अ मिनट आ जाएगा अभी, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मैं पूरा भर देता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा बहुत प्लैंक पता नहीं क्यों बच रहा है बार बार, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लगा है मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है चलो अभी फाइनली टाइम आ चुका है बॉयज़। और ये अंडे बाहर क्यों निकल रहे हैं भाई इससे, वॉट लॉल, ठीक है चलो इनको तोड़ते हैं अभी, और ये सारे सारे पिग्स ना अभी देखना पूरी भसड़ निकलेगी इनके बाहर भाई, ये तोड़ा ये तोड़ा ये तोड़ा, और सारे के सारे पिग्स फैल जाएंगे भाई अभी पूरे के पूरे फार्म के अंदर देखना बॉयज़। यो अभी इसको मैं पूरा का पूरा भर दूँ ज़रा, रुको यहाँ से इनको पूरा का पूरा कलेक्ट कर लेते हैं और इनको लेके जाएंगे बाहर, और अभी जो है ना सारे के सारे पिग्स आराम से रहेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूरी भसड़ नहीं है यहाँ पे एकदम बिल्कुल भी, आराम से जो भी करना है वो आराम से होगा सारा का सारा काम। चलो रुको रुको मैं अभी कहाँ से बाहर निकलूँ यहाँ से, चलो ठीक है मैं बाहर निकल जाता हूँ, और यस 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 ये देखो गाइस अब क्या है, दो तरह से यहाँ से रास्ता भी बन चुका है, ठीक है अब ये सारे पिक्स ना इधर उधर फैल जाएंगे पूरे के पूरे, कोई इधर आ जाएगा कोई उधर रहेगा, तो भाई सही लगेगा देखने में भी यार। चलो अभी काम करते हैं, हमारे जो ट्रेलर है ना उसको लेकर आता हूँ मैं, इसके अंदर अपने को प्लैंक्स वापस भरने पड़ेंगे, और उसके बाद में तेल भी अपन सेल करने जाएंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है शायद से मैंने थोड़ा ना इसमें डेज़ वगैरह स्पेंड नहीं करे तो शायद से मेरा तेल वगैरह भरा नहीं होगा पूरा मुझे जैसा लग रहा है, ठीक है अपन उसके अंदर ना थोड़ा ऑयल वगैरह भर कर आ जाएंगे अभी फिलहाल के लिए, और इसको भी पूरा यहाँ पे निकाल लेता हूँ सारा कुछ, रुको ये रख देते हैं, लोड कर लेते हैं वापस से, और एक बार देखते हैं भाई ये देखो पिक्स वगैरह इधर आने लग रहे हैं अभी, देख रहे हो गाइस हमारा फार्म काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा अभी देखना, यहाँ रुको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ सभी को, ये देखो एटलीस्ट सही में कितना सही बनाया है इस बार अपन, है ना पहले वाला तो बहुत मिक्सअप हो रखा था ऐसे, ये देखो यहाँ पे हमारा पिक्स का बान, वहाँ पे काउज का बान, और वहाँ फिर हमारी चीज़ फैक्ट्री भी आ जाएगी भाई साहब, क्या ही तगड़ा बन रहा है भाई अभी तो, धीरे धीरे करके अपन इसी तरह से काफ़ी सारा पैसा कमाने वाले हैं। और वेट अ मिनट, ओह यहाँ पे पोर्क भी रखा हुआ है जो मैंने सेल नहीं करा था, तो क्या मुझे पिक्स पेलना चाहिए, अभी इतने बड़े हुए नहीं इनको खाने देते हैं इन्जॉय करने देते हैं, ज़रा मैं इनका खाना वाना भर देता हूँ, क्योंकि अभी नया वो बनाया ना फूड वाला टैंक, तो आई मीन फूड वाले बॉल बनाए हैं, तो भाई ये खाली हो गया था, रुको इसको मैंने भर दिया है, वेट इसको रिफिल कर देते हैं, ठीक है हो गया, चलो इसको बंद करते हैं वापस से, और यस देखो छोटे छोटे बाला किधर उधर घूमने लग रहे हैं अभी सही है भाई अभी सही लगेगा ये, तगड़ा लग रहा है अभी। और मुर्गियों का भी मेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा, रुको मुर्गियों का मेरे को ना नया कूप बनाना है लेकिन बढ़िया वाला बनाना है, इतने पैसे हैं क्या मेरे पास, $11,000 है तो वैसे मेरे पास, आई थिंक बना पाएंगे अपन, पर अभी रहने देते हैं, रुको जरा अभी निकलते हैं यहाँ से अपन, और अपने को थोड़ा ना ऑयल वगैरह सेल करके आना है, क्योंकि उससे पैसा भी तो कमाने का है ना अपने को, बॉयज़ लेट्स गो।
भाई लेकिन सही में, ओ एक सेकंड मेरी गाड़ी का तेल खत्म हो रहा है भाई, ये रुको ऑयल। और तुम लोगों ने किसी ने कमेंट करके बोला था कि भाई हार्डवेयर स्टोर के पीछे भी है ऑयल ऑयल वाला रिग जो होता है वो, लेकिन नहीं है यार वहाँ पे। मैं चेक किया था ऑफलाइन, मैं गया था हार्डवेयर स्टोर के पीछे, वो नहीं था। पता नहीं लोगों ने हटा दिया शायद से, क्योंकि मुझे लग रहा है ना ऑफकोर्स इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इसे तो शायद से हटा ही दिया होगा यार उन लोगों ने। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये मशीन बंद क्यों हो गई है? अरे इसका तेल ख़त्म हो गया क्या? अरे भाई साहब लो भाई तेल भर देते हैं। ये दूसरी चला, दूसरी पीपी क्यों खाली पड़ी हुई है? इसको ऑन कर देता हूँ साथ के साथ में, और रुको ज़रा ये एक बार खाली हो जाए पूरी, नई वाली भर देंगे फिर। और कितना भर गया ज़रा देखो तो, 34, 35, 36, 50 भरेगा ना पूरा। ठीक है 1000 लीटर होने के बाद में सेल करेंगे उससे, एक बार में क्या है ना अपने को पूरा $10,000 मिल जाएगा एक ही बार में, समझ रहे हो? पैसा तो बहुत है लेकिन भाई इस ऑयल वाले काम से कसम से भाई। कितना भरना है भाई? और 50 भर गया चलो। और मैं अपनी गाड़ी को भी रिफ्यूल यहाँ पे कर लेता हूँ। क्या ये वाली कैन खाली पड़ी हुई है? लेट मी चेक। यस ये वाली खाली पड़ी हुई है, इनको भी ज़रा मैं रख ही देता हूँ। ठीक है यहाँ पे ये इनको भी पूरा रिफ़िल करवा कर आएंगे अपन अभी, रुको ज़रा इसको मैं रख ही रहने देता हूँ भाई, देखी जाएगी। चलो 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 ऑयल मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है मैं उसका पूरा 1000 होने का वेट कर रहा हूँ, 1000 लीटर हो जाएगा तब एक बार में ही सेल करेंगे पूरा का पूरा, उससे ज़्यादा पैसा मिलता है भाई इसलिए। ज़्यादा तो क्या मतलब, खैर वही सेम मिलेगा लेकिन चल एक बार में $10,000 सही है भाई वो। यहाँ निकलते हैं और ज़रा, अरे 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 भाई चलो तो यहाँ पे कर लेते हैं हमारी इन टंकियों को रिफ्यूल, जेरी कैंस को, और कर देते हैं यहाँ पे भाई -$1। कितना भरेगा देखने दो ज़रा, कितना टोटल लीटर भरेगा? 21 लीटर भरता है इसके अंदर ये। ओह अरे इसको क्या पिक कर, पागल है क्या? साढ़े रुक जाए एक सेकेंड गाइस। अरे वॉट लॉल भाई स्कैम हो गया, एक मिनट रुको मैं इसको उसको ना हटा के पहले ये भरने दो ज़रा, इसको ऑन कर देता हूँ। और क्या मैं रख पाऊँगा अभी? ओके आई कैन, ये रख दी। ठीक है चलो ये पूरी भर, ये भर गई ना पूरी। ठीक है 21 लीटर टोटल कितना भर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, कितना अपना जो है खर्चा होने वाला है एक लाइक 2-3 कैन भरने के अंदर, मैं कोई चीज़ देखनी एक बार। और ये भरा है लास्ट, ठीक है इसको भर देता हूँ। कितना हो गया? 60, 75। ओके लेट्स सी 80, $100 तो इसी में जाता है, मतलब समझ लो ये चीज़ तुम लोग है। या $100 इसके अंदर हमारा कैंस भरने में चला जाता है भाई, मतलब खर्चा देख रहे हो तुम कितना हो रहा है, खर्चा देख रहे हो भाई। लेकिन अरे वेट 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 वेट, यहाँ पे फ्यूल कैंस तो, अरे भाई साहब यहाँ तो और रखी हुई है भाई, 5 कैंस है टोटल। अरे भाई 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 मेरे को तो देखा ही नहीं मैंने ये, तो कितना जाएगा देखने दो अभी। तो भाई टोटल मतलब मान लो 150 से 160 तक तो जा सकता है आराम से मेरे को लग रहा है। लेट्स चेक इट, मुझे ज़्यादा ही लग रहा है भाई, हाँ ज़्यादा ही जाएगा यार, 40 लीटर ज़्यादा है कि कितना ज़्यादा है मैं समझा नहीं हूँ कुछ। लेट्स सी कितना जाएगा, 60, 70 या 80, 170 हो गया, 180 तक तो पहुँच ही चुका है, मतलब 40 लीटर भरता है हमारी एक कैन के अंदर। ओके ठीक है चलो इनको मैं फटाफट वापस रख देता हूँ यहाँ पर। और यस वी आर गोइंग, अरे भाई ट्रैफिक जाम लग गया यहाँ तो, ट्रैफिक लगवा दिया भाई अपन ने। चलो 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 अभी जाएंगे बॉयज, और ये वाले कैंस वगैरह ना यहीं पर रख देंगे अपन ताकि इनको रिफ़िल कर सके बाद में, क्योंकि तेल ख़त्म हो जाता है यार, रिफ़िल वाला सीन थोड़ा गलत है भाई इसका यार, लाइक सीरियसली ब्रो। एक और चीज़ अपन कर सकते हैं, फ्यूल ट्रेलर ला के रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर देंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। इसको यहाँ रख देता हूँ फिलहाल के लिए, और एक और कैन जो थी इसको भी यहाँ रख देता हूँ। और मैं वैसे सारी कैन इसी के लिए लेकर आया हूँ बेसिकली, पर 4 कैन इसी के लिए एक्चुअली, ठीक है, और एक तो हमारी गाड़ी में भरने के लिए कि बाई चांस कभी तेल ख़त्म हो गया गाड़ी का तो उसको भी रिफ़िल करना पड़ेगा ना इसलिए। चलो ये हो रहा है अभी, इसमें कितना 503 लीटर भर चुका है भाई, पैसा तो आने वाला है लेकिन अभी आई थिंक मेरे को पिग्स वगैरह को ना पेलना पड़ेगा, या काउज का भी देखते हैं भाई आखिर काउज वगैरह जो है बर्थ वगैरह दे रही है कि नहीं। लेट्स गो एंड चेक इट आउट भाई, आराम से चलते हैं। मेरे को ट्रक भी ख़रीदना था यार, आई वॉन्ट टू बाई अ ट्रक एज वेल, पर ट्रक का आई थिंक कम अभी कोई काम है नहीं वैसे, या लाइक पिकअप ट्रक से सारा काम हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, ट्रेलर हमारे पास में है ही ऑलरेडी एनिमल वाला, तो आई डोंट थिंक मेरे को ज़रूरत है। बाकी तो अपने को हमारे इस रांच की बाउंड्री भी पूरी करनी है, वो करेंगे रुको ज़रा। वेट वेट वेट, यहाँ पे भाई थोड़े बहुत पिक्स बड़े तो हो चुके हैं वैसे, लेकिन इनका मैं वेट कर रहा हूँ कि ये लोग ना बाड़क वाड़क दें, उसके बाद में इनको मैं पेलूँ। वेट ये रुको रुको, मेल है कि फीमेल है? मेरे को जाना पड़ेगा पास में भाई इनके। विच ये तो मेल है, इसको मैं पेल दूँ क्या? इसने रुको ज़रा प्रैग हो रखे हैं ये भी प्रैग है, और ये भी, ये तो इसे रुको, हाँ मेल है ये तो, मेल वालों को पेल देता हूँ मैं, ठीक है।
ये भी पर आ गया, ठीक है। अरे हाँ तो फिर ठीक है, इन दोनों मेल को इनके ऐसे कितने आने आई जाने इधर आई तरी वैस किया भाई पन। अरे यार एमो नहीं है मेरे पास तो, भाई काफ़ी कम एमो बची है मेरे को, घून देंगे। रुक जाओ ज़रा एक सेकंड मेरे को डर लगता है भाई इनसे। रुको एक बार ना ट्राई करके देखते हैं, लोगों ने ठीक कर दिया क्या वाला चीज़ जो था। मैं एक बार रुको गेम सेव कर लेता हूँ पहले, ताकि कोई सीन वीन ना हो भाई यहाँ पे। और रिस्क लेने से पहले थोड़ा यू नो सीन करना पड़ता है भाई। ज़रा रुको पहले के देखते हैं अभी क्या झाक झुक होगा भाई। अरे मैंने गलती से, मैंने गलती से फीमेल वाले को पेल दिया भाई। चलो अभी ध्यान से पेलेंगे, ठीक है पहले इस मेल वाले को पेलेंगे। रुकूं इसकी वैंस के साड़े ये ले, हेडशॉट दिया भाई सीधा। आई थिंक इन लोगों ने ठीक कर दिया ऐसे ऐसे वाला चीज़ भी ना। रुको ये भी मेल है, आधा साढ़े तेरिया सीखते ऐसी इनको कर लेते हैं भाई स्किन। और इनका सारा का सारा ये देखो मीट कैसे उछलता है साला, पता नहीं क्या बॉम्ब लगा रखा है इसके अंदर, ऐसा फटता है भाई निकालते स्किन करती। ये देखो इसका तो चलो इतना नहीं हुआ फिर भी। और रुको यहाँ से अपन पता नहीं भाई कितने कूलर लगेंगे इसमें वैसे मेरे को, लेट्स गो। एंड मेरे को थोड़े बहुत कूलर यहाँ अंदर रख देने चाहिए हैं, एक में शायद 26-27 मीट गिरता है ना, तो दो कूलर तो लगेंगे ही लगेंगे, दो या तीन। तो वही थी ये वाला ले जाता हूँ। और यस वी आर डन विद दिस, इसको खोलते हैं ओपन। एंड यस अभी यहाँ पे अपन सारे के सारे पोर को इकट्ठा कर लेते हैं। भाई कितनी गंदगी कर दी यार इन लोगों ने साला, यही प्रॉब्लम है पता है बड़ा करने की जगह में, लाइक बड़ा कर दिया मेरे को, ज़्यादा गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी इनकी, क्योंकि हर जगह पे हक देते हैं भाई लोग। और मेरे को लॉन मोवर लाना पड़ेगा, इनकी घास वास कट करनी पड़ेगी भाई यहाँ से। ये थोड़ा बच गया है, रुको इसको यहाँ रख देता हूँ, 24 हो गया ना इसमें साला। इसमें ज़्यादा समझा नहीं, कम मीट दिया उसने मेरे को लग रहा है, क्योंकि एक बार में 27 कुछ तो देता है यार ये। रुको ज़रा इसमें कितना आ जाएगा पता लग जाएगा। ये डिटेलिंग देख रहे हो तुम लोग भाई, ऐसा लग रहा है रियलिस्टिक पूरा है ना, घास वास गिरा पड़ा है यहाँ पे, आइन पत्ते वत्ते गिरे पड़े हैं भाई। ओके यहाँ से इसको डालते हैं इसमें, इधर आ जाओ भाई। यस आई थिंक तीन कलर लगने ही लगने थे भाई इसके अंदर तो, लेकिन सालों ने गंदगी कितनी कर दी भाई, डेली की डेली भाई यही करना पड़ता है। आओ इनको पेलो, इनका घू साफ करो भाई, और कुछ काम है ही नहीं मेरे पास में करने को ना। चलो यहाँ आ जाते हैं, इनको भी पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है इनका काम हो गया। चलो उधर कहाँ जा रहे हो भाई, उन्हें तुम्हें क्या मिल रहा है, यहाँ पर रहो ना आराम से इन्जॉय करो इस जगह पे। यहाँ रुको ज़रा मैं इसको यहाँ लाता हूँ, और इनका ज़रा गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी भाई इनकी पूरी के पूरी अपने को। कितना हगते हैं भाई ये कसम से, कितना ज़्यादा हगते हैं। और यहाँ पे कुछ है तो नहीं ना, देख लेता हूँ भाई पता नहीं कहाँ कहाँ पे हक देंगे ये देखो यहाँ भाई साहब क्या ही सीन कर रखा है इन लोगों ने, साले यही करते रह जाओ पूरा टाइम तुम। अरे भाई कितना हकते हो कसम से भाई, हर जगह कर रखा है लग रहा है इसने, हर जगह पोटी कर दी भाई। ये ले भाई इसको भी उठा ले सब, मैं यही करता रहूँगा गाइस अब इसमें, ठीक है ना यही करूँगा अब से डेली आके। सबसे पहले इनकी गंदगी साफ करो, इनको मारो, इनका मीट इकट्ठा करो बस। तो गाइस मैंने यहाँ पे सारा का सारा इनका भाई कचरा साफ कर दिया है, अभी अपन एक काम करते हैं इसको और कुछ। अरे यार हाँ एक सेकेंड, हमारी मुर्गी का क्या सीन है भाई, मुर्गी जिंदा तो है, अंडे भी काफ़ी सारे दे दिए इसने। अरे 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 चिल भाई चिल, ये एक सेकेंड ये अंडे ना रुको इनको ना बास्केट में भरने दो यार। और ये बाहर कैसे निकल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा वो चीज़, अंडे बाहर क्यों दे रही है ये, इसका भी नया कूप बनाना पड़ेगा अपने को बॉयज़, ठीक है वो बनाएंगे। और रुको ज़रा कूलर में यहाँ बाहर निकाल लूँ एक बार, जो तू भी भाई और तू भी अच्छा ठीक है। चलो इनको लोड करते हैं, इनको सेल करके आएंगे, और उसके बाद में हमारा जो काओ का चीज़ फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट है उस पर काम करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ हमारे बर्गर की शॉप पे, क्योंकि वहाँ पर अपने को सारा का सारा पोर्क सेल करके आना है भाई इनका, ताकि अपने को थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हो भाई, क्योंकि मैंने आज ना कुछ भी सेल नहीं किया यार, मेरे को लिटरली कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है आज। लेट्स सी आज कितना प्रॉफिट अपन कर लेते हैं, वैसे भी मेरे को लग रहा है थोड़ा ना लाइक ऑफलाइन बैठ के इनको पीसी ऑन रखना पड़ेगा मेरे को, ताकि यू नो थोड़ा डेज पास हो और थोड़ा जल्दी जल्दी पिक्स बढ़े हों, और उनको पेल कर अपन मीट वगैरह इकट्ठा करके थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कर सके इसलिए। तो या अभी रुक जाओ ज़रा देखते हैं कि कितना यहाँ पर मिलेगा इसका अपने को। बीफ का आ रखा है, बीफ तो यार मैंने पाले ही नहीं यार अभी, चलो ठीक है लेट्स सी। अरे ईयर टैग सर है हमारे काऊ वगैरह का, मैंने नाम तो नामकरण तो किया ही नहीं उनका, चलो ठीक है यहाँ चलते हैं। और यस गाइस अभी मैं जो है ना काम करता हूँ, अपन इनको क्या नाम दें हमारे काउज वगैरह को, तुम एक काम करना मेरे को कमेंट्स में बता देना ठीक है, लाइक अभी तो मेरे को कोई आइडिया आएगा नहीं, तो तुम लोग मेरे को कमेंट करके बता देना, फिर नेक्स्ट एपिसोड में अपन ज़रूर से उनको रीनेम वगैरह करेंगे ठीक है। ईयर टैग्स देखो ऊपर पड़े हुए भाई, पोर्क यहाँ पर सेल कर दिया थोड़ा बहुत, $1000 का मेरे को लगभग फ़ायदा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ $1000 काफ़ी कम है।
$13,000 ही हो गए मेरे, अच्छा 11,900 कुछ थे ना मेरे पास, ठीक है, एंड 1100 कुछ का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। वेट यार, यहाँ पे नई नई घास दिख रही है मेरे को तो, अलग तरह के वो भी, और कोई चलते हैं अभी। और यस अभी ना रुको, जरा एक और चीज़ मेरे को करनी है, हमारा ब्लूप्रिंट का काम भी करना है भाई, मैंने उसको पूरा नहीं बनाया अभी। मैं सोच रहा था कि इसको ऑफलाइन करूँ, लेकिन अब वही दिक्कत है यार, इसको ऑफलाइन करूँगा फिर सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसी मेरे को। ज़रा मेरे को चीज़ नहीं समझ आ रही है कि काउज क्या इसके ऊपर चढ़ पाएगी, मुझे लग रहा है निकल जाएंगी यार यहाँ से ना। इसको थोड़ा ऊपर बनाना था मेरे को, और थोड़ी दिक्कत हो चुकी है अभी, क्या ही करूँ मैं अब। लेट्स सी इसको मैं किस तरह से बनाऊँगा। ठीक है, लेट्स दोबारा से बनाते इसको, ज़रा थोड़ा ऊपर करके बनाता हूँ इस बार मैं। मैं लिटरली कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता भाई, क्योंकि ना फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है इसको सॉल्व वगैरह करने में, इसलिए यार इसको ज़रा मैं अगर यहाँ से ही देख लेता हूँ उसके अंदर किस तरह से फिट होएगा ये, ठीक है। वेट, इसको थोड़ा अच्छे से लगाएंगे भाई। ओके तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत काम कर दिया है, अभी अपन ना यहाँ पे जो है फ्रेम लगाने वाले हैं, ठीक है। ये सिर्फ साइड साइड में होंगे, क्योंकि ना यहाँ से अपने को दूध निकालना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। तो बाकी तो मैं कहीं पर फ्रेम वगैरह नहीं लगाने वाला, इसको सिर्फ थोड़ा सा यहाँ से ना क्या है कि छोटी वाली वॉल लगाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि उससे अपन दूध वगैरह निकालने में आसानी रहे। और यहाँ पे मैं कोई दरवाजे का फ्रेम वगैरह नहीं लगा रहा, क्योंकि वहाँ पे ना ट्रक जो है हमारा जा नहीं पाता, इसलिए तो मैं इसको फ़िलहाल तो नहीं लगा रहा यहाँ पे। बाकी यहाँ साइड साइड में देख लेते हैं अगर लगाना सही रहेगा कि नहीं। यहाँ लगा देते हैं, और थोड़ी बहुत दीवारें अपने को यहाँ पर ऐड करनी पड़ेंगी। रुको, तो यहाँ पर मैं लगाऊँगा एक विंडो फ्रेम, ठीक है, ये बाहर की साइड देखेंगे, ठीक है, ये इधर का हो गया। और पीछे की साइड पे मेरे को कुछ इसी तरह से बना देनी है, यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ जाएगी, और एक ये उल्टे में, ठीक है, अभी ठीक है। और इसके बाद में मेरे को सारे के सारे जो है ना, रुको यहाँ पे विंडोज़ ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसका काम मैं कैसे करूँ मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। रुको, लास्ट टाइम तो अपन ने बना दी थी काफ़ी अच्छे तरीके से, पर लेकिन आई वॉन्ट कि मैं इस बार भी थोड़ा अच्छे से बनाऊँ। वेट ज़रा रुको, यहाँ पर अगर अपन इसको ओपन रखेंगे तो, लेकिन थोड़ा वेयर नहीं लगेगा ओपन रखूँगा तो इसको मैं, पर ओपन रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, काफ़ी खाली खाली सा ओपन सा एकदम, यू नो। दरवाज़े ऐड करूँगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लगेगा कि बार बार दरवाजे ओपन करने पड़ेंगे अपने को। आई थिंक ओपन वाली अपन अगर मिल्क फैक्ट्री बनाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लाइक इसी तरह से अगर इसको छोड़ दे, या दैट विल बी मच बेटर आई थिंक। या फिर मैं अगर छोटी वाली वॉल फिर भी बाई चांस लगा देता हूँ अगर, तो कैसा रहेगा वो देखने। तो यहाँ पर अगर अपन ये लगा देते हैं, ठीक है, इनको मैं ऐड कर देता हूँ, तो आई थिंक दूध के लिए क्लिक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है शायद से। लेट्स सी अगर, या मेरे को अगर उनको टैप करना होगा ना तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बाद में अपन देखते हैं इसका कैसे काम करना है, ठीक है। बाकी फ़िलहाल के लिए मैंने इसका थोड़ा ब्लूप्रिंट बना दिया है। यहाँ से अपने को सारी सारी सबसे पहले काउ जो है यहाँ पे लाकर रखनी है, उसको फिर बंद कर देना है यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। और इसी तरह से अपन सारा काम करने वाले हैं बॉयज। इसको अपन नेक्स्ट एपिसोड में पूरा फिनिश करेंगे, और इसका ऊपर का ज़रा देखने दो किस तरह से बनेगा भाई। ओपन ही बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, ज़्यादा कुछ वो कर नहीं रहा इसके ऊपर। लेट्स सी, अपन ये वुडन रूफ हो गया, ठीक है, तो रूफ अपन कुछ इस तरह से लगाएंगे, बाहर से लगाना पड़ेगा मेरे को इसको ना, यस लाइक दैट, इस तरह से कुछ करते हैं। वैसे ऊपर मैं सोच रहा था सेकंड फ्लोर भी बनाऊँ लाइक हमारी चीज़ वगैरह के लिए। लेट्स सी कैसा करेंगे उसको भी, मैं भाई पूरा ना अच्छे से बनाना चाह रहा हूँ। लेट्स सी, मैं ऑफलाइन अगर थोड़ा बहुत करूँगा तो कर दूँगा, अदरवाइज़ ठीक है इसको इसी तरह से रहने देंगे अपन। एंड ये लग क्यों नहीं रहा ऐसा लाइक, तो ठीक है मैं इसको कर दूंगा भाई ऑफलाइन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसको सेकंड फ्लोर बनाने के सोच रहा हूँ मैं फिलहाल तो, इसलिए तो क्योंकि वहाँ पे चीज़ वगैरह भी रखनी पड़ेगी ना। मैं अलग से कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं बना रहा इस बार, एक ही के अंदर सारा काम करेंगे जो भी अपने को करना रहेगा, ठीक है। चलो तो गाइज, आज अपन लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लूप्रिंट बना लिया, और हमारे इस पिग बार्न हाउस को भी थोड़ा बहुत बड़ा यहाँ पे कर दिया है। एंड आज के इस एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। आई रियली होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, अगर मजा आता है नीचे लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।